नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो वीडियोस तिल पे आई हुई हैं और तीसरी वीडियो भी तिल पे ही है। एक बहुत बड़ा कारण था जो कि मैं पहली दोनों वीडियोस में नहीं डाल सकती थी। ये बिल्कुल अलग तरह की समस्या है और ये समस्या किसी को भी हो सकती है। मैंने देखा है बहुत लोगों में ये समस्या होती है। ये मेरे साथ ही पर्सनली मैंने इसको ठीक किया है। तो मेरे साथ ये हुआ, अभी मेरी एज 45+ है। जब मैं छोटी थी, 11 साल की बच्ची, तो मैं एक बार सीढ़ियों से उतर रही थी। जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, मैं फिसल गई। तो जो मैं फिसली तो मेरी कमर के हिस्से से गिरती हुई नीचे आई और सीढ़ियां ऊपर से मैं 15-16 सीढ़ियां धम 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 करके गिरती हुई आई। तो मेरी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर में चोट लग गई। उस वक्त भी वो बहुत तकलीफ दी उसने। तो हुआ ये कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं और मैंने डर के मारे अपनी मम्मी को या किसी बड़े को बताया ही नहीं कि मुझे चोट लगी है। और मैं उस दर्द को बहुत दिनों तक बर्दाश्त करती रही, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि अगर हम बताएंगे कि हमने ये शरार हम ऐसे फिसलने की हम फिसल रहे थे, हम ऐसे खेल रहे थे, तो फिर हमें बड़े लोग खेलने से मना कर देंगे। तो बच्चे चोट भी लग जाती थी तो बताते नहीं थे। अगर चोट दिख ही रही है तो पेरेंट्स को पता चल ही जाती थी। लेकिन हुआ ये कि मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी उसके बाद से, और अब तक मैं बहुत ज्यादा देर एक जगह पे जब भी बैठती थी तो मुझे पेन होता था, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला छोर है। तो मैंने ये देखा है कि मैं स्कूटी ड्राइव करते हुए अगर कहीं जा रही हूँ, 15-20 मिनट के बाद मुझे थोड़ा सा आगे झुक के अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती थी। गाड़ी में कहीं जा रहे हैं या किसी भी तरह से, मैं घर में भी अगर बैठी हूँ तो मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती थी। और बस एक दिन मैंने कहीं पढ़ा कि पुराने से पुरानी जो चोट है, जो हमें बचपन में या जवानी में लगी है और वो बुढ़ापे में भी दर्द करती है, कई बार बहुत बड़ी उम्र हो जाती है और जैसे ही पछुआ हवाओं का जोर चलता है, हमारी देसी लैंग्वेज में इसी तरह से बोलते हैं, जो हमारे कभी बरसों बरस पहले लगी हैं और वो आज भी हमें तकलीफ देती हैं, उसमें ये बहुत मदद करता है। मैं तकरीबन 1 महीने से तिल रोज खा रही हूँ और ये जो मेरा पेन है ये मुझे महसूस ही नहीं हो रहा। अभी मैं काफी काफी दूर घूम के आई हूँ जिसमें मुझे बहुत बहुत देर बैठना पड़ा और मैंने खुद महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। मेरी चोट में पहले पहले मुझे लगा कि अभी हल्का है, कुछ है, थोड़ा सा कुछ रह गया है कहीं पे, लेकिन अभी कुछ दिनों से रिसेंटली मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे पेन ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को शेयर। मैंने कई बार पेन किलर खा के इस दर्द को कम करने की कोशिश की है लेकिन वो टेम्परेरी था। और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह से मैं पिछले 1 महीने से अपनी बॉडी में फील कर रही हूँ, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ठीक हुई है और जैसे मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम ठीक हुई है, स्पाइन में लगी हुई वो चोट जो मुझे 11वीं अपने अपने उम्र के 11वें साल में लगी थी और अब आके वो मुझे ठीक महसूस हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइब भी जरूर करना और उन लोगों को जरूर शेयर करना जिनको ये प्रॉब्लम है और वो इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। तो आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।